जय श्री कृष्णा। आज हम गीतानाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास असम का सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारा अध्याय तीसरा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। हमने पढ़ा था किस तरह से कंपनी आई, कंपनी ने व्यापार शुरू किया और कंपनी बंगाल में अपना साम्राज्य चलाने लगी। अब वो कंपनी दीवान बन गई, दीवान यानी मैन करता लड़का बन गई। अब कंपनी दीवान कैसे बन गई? 12 अगस्त 1765 को, 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की नवाबी मिली। क्या मिली? बंगाल की नवाबी, नवाबी मिली। और ये कहा हुआ था? एक तंबू के अंदर कुछ भारतीयों के साथ और कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर ये घटना रॉबर्ट क्लाइव के कैंट में हुआ था, तंबू में हुआ था। कहाँ हुआ था? तंबू में ये घटना घटित थी। अब कंपनी है जो सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर बंगाल का रामनियुक्त लेने के। अब दीवानी बढ़ने के बाद क्या हुआ? कंपनी बंगाल में, क्या बंगाल में आर्थिक मामले की हिमायत और पक्षकार हो गई और आर्थिक मामलों की मुखिया बन गई। क्या हो गई? मुखिया बन गई। अब कंपनी ने का काम था, मुखिया बनने के बाद कंपनी का काम क्या था? ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना, ये कंपनी का काम बन गया। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कंपनी का रेवेन्यू बन गया। अब कंपनी को यह भी काम था कि वो अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए। कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी? जब उसको मिल गया तो उसने पहले कंपनी क्या करती थी, कंपनी को रेशमी और सूती कपड़े खरीदती थी। क्या करती थी? सूती कपड़े खरीदती थी। उन सूती कपड़ों के बदले वो इंग्लैंड से, ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती। क्या करती? चांदी का आयात करती और भारतीयों से सोने चांदी के बदले वो चूज करती। अब कंपनी ने ये आयात है जो 1885 के बाद बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उन्होंने भारतीय रुपयों के बदले इंग्लैंड में खरीदारी शुरू कर दी। अब उन कंपनी के इन किसानों, वो किसानों से कम माल, कम कीमत पर माल खरीदती और ज्यादा कीमत पर बेचती। इस तरह से कंपनी को लाभ होने लगा और लेकिन किसानों को और मजदूरों को, व्यापारी को, ठीक है, छोटे कामगारों को, कामगारों को और किसानों को है जो हानि होने लगी और उन्होंने ये धंधा छोड़ने का विचार किया। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि दूसरा काम है भारत के लोगों का कृषि, तो कृषि से वो इनकम कर सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं कृषि के मामलों में वो ज्यादा से ज्यादा। तो कंपनी ने कृषि को, खेती में सुधार का काम किया। क्या क्या? खेती में सुधार की योजना बनाई। क्या बनाई? सुधार की योजना बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। और ये योजना इसके लगभग 20 वर्षों तक यानी 2 दशकों तक बहस चली और अंत में बहस चली और अंत में आधी साल 1793 में कंपनी ने स्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या क्या? स्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या क्या लागू किया? अब प्रश्न है स्थाई बंदोबस्त क्या है? तो स्थाई बंदोबस्त क्या है? उन्होंने सबसे पहले कंपनी ने जो जमीन थी राजा महाराजा के पास, उसको राजाओं और तालुकेदारों
मुखिया बनाया, कंपनी को ने जिनका जमीन का मुखिया बनाया। अब उनसे लगान वसूल करना था, क्या करना था? लगान वसूलना था, क्या करना था? वसूलना था। तो इसका ही बंदोबस्त में क्या किया था कि जमीनों को, इन जमींदारों को और राजाओं को, राजा और जमींदारों को एक निश्चित राशि, क्या निश्चित राशि लगान के रूप में देनी थी, क्या थी? निश्चित राशि लगान के रूप में देनी थी। अब इनको कंपनी का लगान को देनी थी, इसका मतलब इनको प्रति वर्ष आय होने लगी, निश्चित आय होने लगी। लेकिन किसानों को और दूसरे लोगों को इससे नुकसान हुआ, क्या हो गया? नुकसान हुआ। क्या हुआ? किसानों ने जमीन में सुधार नहीं किया, क्या नहीं किया? जमीन में सुधार नहीं किया। जब जमीन में सुधार नहीं किया तो उत्पादन घट गया, क्या हो गया? उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम होने से छोटे किसानों को, इसको छोटे किसानों को मार पड़ी, क्या पड़ी? मार पड़ी। उनका है जो लगान भी जाता था और ज्यादा लगान भी जाता था, जमीन पर भी उनका इसका ही हक नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर वो जो लगान देने से चूक जाते थे, उनकी जमीनें नीलाम की जाती थी, क्या कहते थे? नीलाम की जाती थी। इस तरह से वो किसानों पर है जो दोहरी मार पड़ती थी, किसान कर्ज के तले बन गए, छोटे किसान और कारीगर अपने किसानी और गाँव